हेलो, मैं सर डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वेरिकोस वेन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर वेरिकोस वेन क्या होता है? तो वेरिकोस वेन को हम लोग स्पाइडर वेन भी कहते हैं, और ये एनलार्ज्ड ट्विस्टेड वेन्स होती है जो हमारे लोअर लिम में प्रेजेंट होती है, मतलब लेग्स में हो सकता है, और ये ज़्यादातर सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है। तो आपको ईजिली दिखाई देने लग जाएगा कि वेन्स एनलार्ज हो चुकी है और ट्विस्ट हो चुकी है। वेरिकोस वेन होने का मेन रीज़न है जब आपके पैरों पे प्रेशर पड़ने लग जाए, वेन्स में प्रेशर होगा तो ये वेन्स एनलार्ज हो जाती है। और ज़्यादातर ये कंडीशन वॉकिंग या फिर अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं तब ये कंडीशन हो सकती है। अगर आप ज़्यादा टाइम तक स्टैंडिंग पोजिशन में रहते हैं या फिर ज़्यादा टाइम तक आप चल रहे हैं तो उस टाइम भी ये कंडीशन हो सकती है। कई सारे लोग हैं जिन्हें वेरिकोस वेन की कंप्लेन होती है, लेकिन उन्हें ये कंप्लेन माइल्ड होती है जिसके वजह से सिर्फ ये कॉस्मेटिक इशू होता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको वेरिकोस वेन सीवियर कंडीशन में हो जाता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि उन्हें पेन हो सकता है, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को वेरिकोस वेन की कंप्लेन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट सिम्टम तो यही है कि आपको वेन्स नज़र आने लग जाएंगे। वेन्स का कलर पर्पल हो सकता है या फिर ब्लू कलर की वेन्स हो सकती है। वेन्स एनलार्ज होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में वो मोटी सी लगेंगी, ट्विस्टेड लगेंगी, और इसके अलावा जो वेन्स है उसमें आपको बल्जिंग लगेगा कि ये थोड़ा निकला हुआ है। वेरिकोस वेन दिखने में कॉर्ड लाइक होता है और इसमें आपको पेन भी हो सकता है, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, कई बार लोगों को इसमें हैवीनेस भी फील होने लग जाती है ज़्यादा पेन के वजह से। कई बार इसमें स्वेलिंग हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि पैरों में सूजन आ चुकी है। इसके अलावा कई सारे लोगों को बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, थ्रॉम्बिंग सेंसेशन फील हो सकता है, मसल्स में स्वेलिंग हो सकती है, मसल में पेन होने लग जाता है। वेरिकोस वेन ज़्यादातर आपको स्टैंडिंग पोजीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब आप ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं तो आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको इचिंग होने लग जाए, आपको बर्निंग सेंसेशन होने लग जाए। अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठे हुए हैं फिर सडनली आप उठ जाते हैं तो उस टाइम भी आपको ज़्यादा पेन हो सकता है। वेरिकोस वेन ज़्यादातर लेग्स में होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये फेस में भी हो सकता है, तो लेग्स और फेस एक कॉमन साइट है। अब मैं आपको वेरिकोस वेन होने का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो वेरिकोस वेन में जो वेन्स होती है पैरों की, जब उसमें उनके जो वॉल्व है वो डैमेज होने लग जाते हैं या फिर एज के साथ ही साथ वो वीक होने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड, जिसके वजह से बल्जिंग होने लग जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है। वेन्स का जो साइज़ है वो बढ़ने लग जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज होने लग जाते हैं। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन से लोगों को वेरिकोस वेन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज़ होता है वैसे ही वेरिकोस वेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों में ये कंडीशन कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ जाती है 30 या 40 के बाद आपको ये कंडीशन हो सकता है। इसके बाद जेंडर एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो फीमेल्स होती है उनको वेरिकोस वेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में वेरिकोस वेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर आपके फैमिली में किसी को ये कंडीशन हुई है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको ये कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम तक आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता हो या फिर आपको ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में रहना हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो आप हाइपरिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रश टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। तो आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।